हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगिता की डायरी। आज हम बनाएंगे एक कप पोहा और सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी है और बनाना बहुत आसान है। इसे आप कभी भी ब्रेकफास्ट में या डिनर में बना सकते हो। तो आइए चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और उसके अंदर एक कप जितना हमने पोहा लेंगे। यहाँ पे आपके घर में जो भी साइज की कटोरी है उसके माप से आप सारी चीजें ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कप पोहा लिया है और उसे हम एक बॉल में ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। पोहे में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कचरा होता है, तो वो निकालना जरूरी होता है। तो इसे हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। पोहा को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से रख देंगे, ताकि जो हमारा पोहा है वो काफी खिला खिला हो जाएगा। और अगर आप इसमें मोटा पोहा का इस्तेमाल करते हो तो आप उसे 5 से 7 मिनट के लिए पानी में भीगने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में आप इसे इस तरीके से स्ट्रेनर पे रख दीजिए, जिससे जो आपका पोहा है वो काफी खिला खिला होगा। यहाँ पे मैंने पतला वाला पोहा लिया है, तो इसलिए मैंने इसे ऑन द स्पॉट चलने के अंदर इसे मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है और उसके अंदर हम लेंगे 1 कप सूजी। जितना हमें पोहा लेना है उतना ही सूजी लेना है। और 1 कटोरी सूजी के अंदर हम यहाँ पे 3/4 जितना दही लेंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 कटोरी दही लिया है और इसे हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे 3/4 कप जितना ही मैंने पानी लिया है, पानी मैंने गुनगुना लिया है, जिससे जो हमारी सूजी है वो बहुत ही जल्दी फर्मेंट हो जाएगी। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी सूजी है वो काफी अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी और काफी अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए, 2 से 3 मिनट में जो हमारा पोहा है वो काफी खिला खिला हो गया है। इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसे एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा दही मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना दही लिया है और आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम इसमें 2 टीस्पून जितना पानी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। ये जो हमने पोहा को ग्राइंड करा है, इसे हम सूजी वाले बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून जितना हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे और आप चाहो तो इसके बैटर के अंदर अदरक हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, बट मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसके रिबन जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इस तरीके की। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये जो बैटर है इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे आधा मिक्सचर हम एक बॉल में निकाल लेंगे और आधा हम इसी के अंदर रहने देंगे। और ये हमने हाफ क्यों किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम बड़ी थाली ले लेंगे इस तरीके की, जिसके कॉर्नर हो इस तरीके से। आपके पास में कोई भी केक टिन हो या नॉर्मल कटोरी हो, जो भी बर्तन हो, या ढोकला वाला जो स्टैंड आता है उसमें ढोकले की प्लेट आती है, वो ले सकते हो। इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसे नाश्ते को बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नीचे तले पे लगेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से हमारा जो नाश्ता है वो इसमें प्लेट में से निकल जाएगा। यहाँ पे जो हमने आधा बैटर निकाला है उसके अंदर यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून जितना मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें फ्रूट सॉल्ट इनो भी ऐड कर सकते हो। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जो हमारा बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसमें देखिए बबल्स आ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे जिस प्लेट पे हमने ऑयल लगा करके ग्रीस किया है उसमें हम इस बैटर को ऐड कर देंगे और इसे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, हमने ये आधे बैटर को इस प्लेट के अंदर ऐड कर दिया है और इसे इस तरीके से हल्का सा टैप कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया था और पानी में देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम ये प्लेट रख देंगे इस तरीके से और इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। जब तक हमारा बैटर जो पक करके तैयार हो रहा है, तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें 2 टीस्पून जितना मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। देखिए, जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसके अंदर हम शिमला मिर्ची और प्याज ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आप लोग प्याज नहीं पसंद करते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, और आप इसमें कोई और सब्जी ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। इसे हमें फुल फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है।
यहाँ पे हाफ टीस्पून जितना हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और एक पिंच जितना हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करते हुए इन्हें अच्छे से भून लेंगे हम। और इसमें हमें आलू भूनने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे जो आलू है वो ऑलरेडी उबले हुए हैं। और यहाँ पे मैं एक मैगी मसाले का पाउच ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास में ये हो तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आप इसकी जगह पे इसमें सेजवान चटनी ऐड कर सकते हो या पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हो या सांभर मसाला भी ऐड कर सकते हो। आपको इसमें जिस तरीके का टेस्ट चाहिए वो मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना मैं कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, और आप अगर इसमें हरी मिर्ची पसंद करते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जो हमारे प्याज और शिमला मिर्ची है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इसी के अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, मैंने बड़ी साइज के 3 आलू लिए हैं। और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये देखिए जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो या ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हो। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से बना या नहीं। तो ये देखिए अभी बहुत ही अच्छे से लग रहा है ये बना हुआ। ये देखिए इस तरीके से आप टूथपिक डाल के इसे चेक कर सकते हो। ये देखिए टूथपिक पे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम इसके अंदर हरे धनिया की चटनी लगा देंगे। अगर आपके पास में हरे धनिया की चटनी नहीं हो तो आप इसमें सेजवान सॉस लगा सकते हो, टमाटो केचप लगा सकते हो, कोई भी चटनी जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और अगर आप ये धनिया की चटनी देखना चाहते हो तो इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है, वहां से आप हरे धनिया की चटनी की रेसिपी भी देख सकते हो। और इसे हम इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे टमाटो केचप, और इसे भी हम इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से फैला देंगे। अब यहाँ पे जो हमने आलू का जो मिक्सर बनाया है उसे हम इस पे इवनली स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। ये जो नाश्ता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इसमें टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इस मसाले को हम अच्छे से इस पे इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा बाकी का जो बैटर बचा था उसके अंदर हम थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना मीठा सोडा लिया है। आप चाहो तो इसके अंदर इनो भी ऐड कर सकते हो। और ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा बैटर है इसे हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से टैप कर लेंगे। और इसे हम उसी कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और इसे हम ढक करके 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। बिकॉज ये ऊपर की लेयर है तो इसे कुक होने में टाइम लगेगा, तो इसे हम 8 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं और इसे हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से कुक हुआ या नहीं। ये देखिए टूथपिक हमारा बहुत ही अच्छे से स्मूथली निकल रहा है, ये बिल्कुल भी टूथपिक पे लग नहीं रहा है। तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो हम इस तरीके से इसकी सबसे पहले जो कॉर्नर्स है इन्हें हम हटा लेंगे और इसके हम साइड्स इस तरीके से निकाल देंगे। और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हो। मैं इसे पिज्जा की तरह कट कर रही हूँ, ट्रायंगल शेप में, जिसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप चाहो तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हो और आप चाहो तो इन्हें तवे पे अच्छे से सेक करके भी खा सकते हो। वो आपकी पूरा चॉइस पे डिपेंड है, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी चटनी भी यूज की है, मसाला भी हमने इसमें ऐड किया है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट नाश्ता बनके तैयार है। ये देखिए हमारा सुपर सॉफ्ट एंड टेस्टी जो नाश्ता है वो बिल्कुल बनके तैयार है। आप चाहो तो इसे इसी तरीके से ऐसे भी सर्व कर सकते हो और आप चाहो तो इन्हें थोड़ा सा अच्छे से तवे पे सैंडविच की तरह सेक करके भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये देखिए हमारी जो ट्रायंगल है वो बहुत ही अच्छे से कट हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है और इसके ऊपर
आप अगर इसे घी में सेकना चाहो तो घी ऐड कर सकते हो, बटर या ऑयल जो भी आपको पसंद है उसमें आप इसे सेक सकते हो अच्छे से। और इसे हम पूरा इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं इन्हें हम रख देंगे इस तरीके से, और इन्हें हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए जो हमारे ट्रायंगल है वो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार है। और यहाँ पे इन ट्रायंगल को हम पलट के भी अच्छे तरीके से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे हमारे ट्रायंगल बने हैं। बच्चे तो इसे बहुत ज्यादा शौक से खाएंगे, और ये ऐसा नाश्ता बना के बच्चे कभी ब्रेड नहीं मांगेंगे। आप सूजी और पोहे से ही बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बना सकते हो। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये अभी। ये देखिए हमारा सूजी और पोहे का बहुत ही अच्छा नाश्ता बनके तैयार है। और ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए कितना अच्छा पीस लग रहा है, इसे देख के बच्चे ब्रेड खाना भी भूल जाएंगे। इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसे आप अपनी मनपसंद किसी भी हरे धनिया की चटनी या टमाटो केचप के साथ में इसे सर्व कर सकते हो। और ये देखिए इसका पीस जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सैंडविच की तरह लग रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे इंजॉय कीजिए, जो कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा सभी को। सूजी और पोहे का ये नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना। और आप मेरे चैनल पे नए हो या पहले से भी वीडियोस देख रहे हो, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।